सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ऑटो लेवल से रोड की लेवलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ऑटो लेवल यूज करते आना चाहिए आप सभी को। उसी के बाद OGL कैलकुलेशन, मतलब अगर मैं बात करूं तो जब भी रोड बनता है तो ऐसे ही कहीं पर भी रोड बनना शुरू नहीं हो जाता है। उस रोड के ऊपर कितना मटेरियल लगने वाला है, कितनी कटिंग फिलिंग लगने वाली है, उसके लिए हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग या OGL कैलकुलेशन जिसे कहते हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब बचपन से कॉलेज में डेफिनेशन पढ़ता है तो आदत है आप सभी की, मेरी भी। एक डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टू डिटरमाइन द कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्राउंड सर्वे बाय कंडक्टिंग लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडनली और क्रॉस सेक्शनली जो लेवलिंग परफॉर्म की जाती है उसे OGL कैलकुलेशन या प्रोफाइल लेवलिंग कहते हैं। अब ये कहां की जाती है? इस तरीके से, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी रोड बनाना होता है तो ऐसे ही खस्ता हालत का रोड होता है ना। अब ऐसे ही खस्ता हालत के रोड के ऊपर ही तो रोड बनाएंगे। तो अब अगर ऐसा रोड है तो अगर अच्छा रोड बनाना है तो उसका एक लेवल डिसाइड करना होगा। इस रोड को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज करना है हम लोगों को वो निकालना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। उसी कैलकुलेशन को बोलते हैं OGL कैलकुलेशन। और ये किस तरह से होता है? ये परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल। तो भाई लोग, अगर आप लोगों को किसी को भी ऑटो लेवल यूज करते नहीं आता है तो आज ही सीखना है। कैसे सीखना है? दो जगह बताता हूं, दोनों जगह सीख जाओगे। या तो सिविल गुरुजी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर आप लोगों को कोर्सेज नजर आएंगे, वहां से सीख लो, या तो ऑफलाइन ट्रेनिंग कर लो। दोनों ऑप्शन है आप लोगों के पास, कहीं से भी सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम हमारा सर्वे शुरू करना है ना, इस रोड को बनाने के लिए सर्वे शुरू करना है। तो सर्वे शुरू करने से पहले सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि अपने ऑटो लेवल को सेट कर लो। अब ऑटो लेवल को सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? चार स्टेप है, वो चार स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं, आप लोगों का जो है ऑटो लेवल सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एस्टैब्लिश बेंचमार्क, अपना बेंचमार्क सेट कीजिए। कैसे एस्टैब्लिश करना है मैं आप लोगों को थोड़ा इसे बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है अपना बेंचमार्क जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। सबसे पहले बेंचमार्क की एक डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज इस कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वही सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, क्यूएस एंड आरए निकालना, बीबीएस निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। आखिर ये बेंचमार्क होता क्या है? जैसे कि आप लोग ये समझिए कि अगर आप लोगों को किसी को कोई रास्ता बताना हो, किसी को भी कोई रास्ता बताना हो, तो रास्ता कैसे बताते हैं हम लोग? ऐसे ही बताते हैं ना कि भाई वो जो अगला चौराहा है वहां से राइट ले लेना, या फिर आगे से आप लोगों को एक दुकान नजर आएगी, है ना, एक जनरल स्टोर नजर आएगा, वहां से राइट ले लेना। तो अब ये जो जनरल स्टोर है ना, एक जनरल स्टोर का नाम भी दे देते हैं कि राजू की जनरल स्टोर से जो है लेफ्ट ले लेना या राइट ले लेना। तो अब वो जो जनरल स्टोर है उसे आप लोगों ने क्या बोला? बेंचमार्क। क्योंकि आप लोगों ने रेफरेंस दिया, आप लोगों ने रेफरेंस दिया कि उस पर्टिकुलर दुकान से ही राइट लेना है। तो अब आप लोग कब रेफरेंस दे सकते हो किसी भी दुकान का या किसी भी पॉइंट का? जब आपको उसकी डिटेल पता हो। तो बेंचमार्क मतलब यह होता है कि जिसका एलिवेशन आप लोगों को पता हो वो आपका बेंचमार्क है और उसी को आप रेफरेंस ले सकते हो। विदाउट उसके एलिवेशन को जाने आप लोग कभी भी बेंचमार्क सेट नहीं कर सकते। इसलिए इस पर्टिकुलर बेंचमार्क का आप लोगों को क्या आना चाहिए? रेफरेंस एलिवेशन पता होना चाहिए रेफरेंस देने के लिए। तो अब यह ज्यादातर किसे बनाया जाता है? ज्यादातर जो पुराना रोड होता है, जो पहले से ही बन चुका रोड है, आज की डेट के ऊपर उसके ऊपर ट्रैफिक रन किया जा रहा है, उसे ही बनाया जाता है हमारा रेफरेंस, मतलब हमारा बेंचमार्क। तो चलिए देखते हैं। जैसे समझ लेते हैं कि यहां कहीं पर आप लोगों को रोड बनाना है, ये कोई पुराना खराब सा रोड है ना, और इसके ऊपर आप लोगों को सर्वे करना है। तो अब ये सर्वे करना है आप लोगों को, सर्वे शुरू कहां से करें हम लोग? तो सर्वे शुरू करते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट से। अब ये पॉइंट से कैसे शुरू करते हैं? क्योंकि ये पॉइंट का एलिवेशन हमें पता होता है। तो अब जिस पॉइंट का एलिवेशन हमें पता होता है वो क्या बन जाता है? हमारा बेंचमार्क। वो क्या बन जाता है? हमारा बेंचमार्क। तो सर्वे जब भी शुरू करते रहे हम लोग, चाहे आप लोग
कोई भी सर्वे शुरू करो, कैसा भी सर्वे शुरू करो, विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल कर लो या विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे शुरू करना पड़ेगा? बेंचमार्क की मदद से ही। हमेशा शुरू जब होगा बेंचमार्क। अभी तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? तो एक सवाल आया है, बेसिक सवाल है कि सर मीन सी लेवल क्या होता है। तो चलिए मीन सी लेवल को भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। समझिए कि आप लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज की हाइट कैलकुलेट करना है और उसके लिए आप लोगों को एक पॉइंट चाहिए। अब मुझे बताइए कि हमारी जो दुनिया है ये पर्टिकुलर तरीके से गोल है, है ना, और इसके अलग अलग एलिवेशन है, इसके अलग अलग एलिवेशन है। तो अब मुझे बताइए किसी एक पॉइंट को आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा, तो किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग क्या है, अगर कुछ गंदी सी ड्रॉइंग बनाऊंगा मैं, सह लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये है हमारी दुनिया, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बनाई है कि समझ लो यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर समुद्र है, है ना, यहाँ पर अलग अलग कोई चीज है। तो ये सबसे जो गहरी चीज नजर आ रही है ये क्या होगा, ये है हमारा, ये हमारा सागर है, और ये क्या होगी, ये उसकी वेव्स है। तो अब आप लोगों को पता है कि जो हमारा पानी है उसकी टेंडेंसी ही ऐसी है कि वो हमेशा स्थिर पोजिशन पे रहता है, एक लेवल पे रहता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये बॉटल भी देख लीजिए आप लोग, इसको मैं कितना भी हटा दूं लेकिन जब मैं इसे एक पोजीशन पे लेके आऊंगा तो ये क्या होगा, एक लेवल पे ही रहेगा। अब अगर मैं इसे ऐसे भी कर दूं तो ये देखिए ये एक लेवल पे ही रहेगा, हमेशा एक लेवल पे ही नजर आएगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने ये सोचा, हम सिविल इंजीनियर्स ने, कि भाई पानी तो बड़ी मस्त चीज है ना, क्यों ना पानी को ही रेफरेंस लिया जाए, क्योंकि ये हमेशा एक लेवल पे रहता है। तो लेकिन उस पानी में लहरें भी थी, उस पानी में लहरें भी थी, लहरें मतलब क्या होता है, टाइड्स। तो उसमें हाई टाइड्स भी थी जिनकी हाइट ज्यादा थी, और लो टाइड्स भी थी, है ना। तो अब ये दोनों टाइड्स है, हाई भी है लो भी है, तो इसका एक मीन पोजीशंस कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसका निकाला गया भाई एवरेज, इस हाई टाइड का इस लो टाइड का एवरेज निकाला गया, एवरेज निकाला गया, और उसी को बोला गया मीन सी लेवल। अब ये सर्वे ऐसा नहीं है कि एक दिन में कंप्लीट हो गया भाई लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सर्वे कंडक्ट किया गया 19 इयर्स तक, 19 साल तक के इस हाई टाइड और लो टाइड को काउंट किया गया, 19 साल तक हर घंटे इस हाई टाइड और लो टाइड को कैलकुलेट किया गया कि भाई ये जो लहरें हैं ये कितनी हाइट पे जाती है और कितनी डाउन जाती है, तब उसका एवरेज निकाला गया। उसके बाद अब समझ लेते हैं हम लोग कि ये जो है ये हमारा समुद्र है, है ना, और यहां से हमारी जो है वो लैंड शुरू हो गई, ठीक है, ये हमारी जो है, ठीक है, और ये हमारी सी है, ठीक है। तो अब ये अर्थ सरफेस है, अब इस सी से हम लोग अर्थ सरफेस की हाइट कैसे कैलकुलेट करें, तो कुछ इस तरीके से किया गया कि यहां पर दी गई एक मीन सी लेवल। अब इस मीन सी लेवल से लेकर सरफेस की हाइट को, मीन सी लेवल ये हो गया आप लोगों का मीन सी लेवल, इस मीन सी लेवल से लेकर इस सरफेस की हाइट को बोला गया आरएल। मीन सी लेवल से लेकर सरफेस की हाइट को क्या बोला गया, आरएल। यहां तक क्लियर है कि आरएल मतलब क्या हुआ, यहां तक क्लियर है कि नहीं? कॉलेज में तुम लोग सब पढ़ते हो आरएल लेकिन पता नहीं होता कि आरएल क्या होता है। आरएल, आरएल मतलब यही है, ये जो पॉइंट है, ये जो मेरा एमएसएल है, एमएसएल से लेकर सरफेस की हाइट को बोला जाता है आरएल। एमएसएल से मीन सी लेवल से लेकर सरफेस की हाइट को बोला जाता है आरएल, ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक और सवाल है कि हाउ टू नो द मीन सी लेवल ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस। मीन सी लेवल एक बार सेट है जो कि मुंबई में सेट किया गया है, वो मीन सी लेवल है। अब उस मीन सी लेवल से सरफेस की हाइट अलग अलग है, आरएल अलग अलग है हर जगह के, जो कि आप लोगों को देखने मिलेगा रेलवे स्टेशंस में। रेलवे स्टेशंस में आप लोगों ने देखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई लिखा जाता है, तो वो जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है वही होता है हमारा मीन सी लेवल से लेके सरफेस की हाइट, मतलब आरएल, ठीक है। तो सभी को क्लियर हो गया भाई आरएल मतलब क्या, मीन सी लेवल मतलब क्या, ठीक है। तो अब बातें हैं, अब मुझे बताओ कि मीन सी लेवल से सरफेस की हाइट हम लोगों को पता चल गई, तो ये क्या बन गया मेरा, ये जो हाइट है, अगर इसका आरएल मुझे पता चल गया कि 202.2 है, ठीक है, इसका आरएल, तो मैं इसे बेंचमार्क कहता हूं मेरा। जब मुझे इसका आरएल पता चल गया तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा बन गया बेंचमार्क। तो अब ये बेंचमार्क क्यों है मेरा, आप लोग सोच रहे हो कि सर ये बेंचमार्क है तो फिर टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होता है। टेम्परेरी बेंचमार्क मतलब ये होता है कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कोई काम शुरू हुआ है और उसी पर्टिकुलर साइट के लिए, उसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए एक बेंचमार्क बनाया गया, जब वो बेंचमार्क का काम हो गया उसे हटाना है, तो वो हो गया टेम्परेरी बेंचमार्क। और परमानेंट बेंचमार्क मतलब क्या होता है कि अब ये फिक्स है, ये यही रहने वाला है, इसे कोई नहीं हटाएगा, वो हो गया परमानेंट बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क मतलब की
उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो बेंचमार्क का यूज किया गया था, इसके बाद वो बेंचमार्क की जरूरत नहीं है, उसे हटा दिया जाता है, वो हो गया हमारा टेम्पररी बेंचमार्क। क्लियर है सभी को? चलिए तो यहां पर हम लोगों को बेंचमार्क भी क्लियर हो गया। तो अब हम लोग वापस आते हैं हमारे पीपीटी पर। तो ऑटो लेवल सेट कर लिया आप लोगों ने बेंचमार्क भी एस्टैब्लिश कर लिया। अब इसके बाद आप लोगों को मेजर करना है एलिवेशन ऑफ द बेंचमार्क। अब आप लोगों को क्या करना है, एलिवेशन को मेजर करना है। अब ये कैसे होगा, ये एलिवेशन को मेजर कैसे करना है वो समझाता हूं मैं। अब कि जैसे समझ लीजिए ये हमारा बेंचमार्क हम लोगों ने सेट कर लिया, ये हम लोगों ने बेंचमार्क हमारा सेट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑटो लेवल है, हमारे पास यहां पर ऑटो लेवल है। तो हम लोग यहां पर स्टाफ को लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद स्टाफ से रीडिंग लेंगे, स्टाफ की रीडिंग लेंगे। अब ये जो रीडिंग आएंगी मेरी, ऑटो लेवल मैंने सेट किया, तो जो मैं पहली रीडिंग देखूंगा तो मेरी जो फर्स्ट रीडिंग रहती है, जो मेरी फर्स्ट रीडिंग रहती है वो मेरी क्या कहलाती है, बीएस। क्लियर है सभी को? फर्स्ट रीडिंग क्या कहलाती है, फर्स्ट रीडिंग कहलाती है बीएस। अब ये मैंने पहली रीडिंग कहां ली, मैंने पहली रीडिंग ली बेंचमार्क के ऊपर। तो मेजर द एलिवेशंस ऑफ द बेंचमार्क, ये वाला पॉइंट यहां से मेरा क्लियर हो जाता है। तो मेजर कर लिया हम लोगों ने एलिवेशन ऑफ बेंचमार्क किस तरीके से, ऑटो लेवल से। और आप लोगों की फर्स्ट रीडिंग ली आप लोगों ने, वो बन गई आप लोगों की बैक साइड। तो अब इसके बाद की कहानी बताइए आप लोग, अब इसके बाद क्या करना होगा। हम लोगों ने मेजर कर लिया एलिवेशन ऑफ द बेंचमार्क, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब देखते हैं। एलिवेशन भी ले लिया, अगला पॉइंट क्या है, टेक रीडिंग एट वेरियस पॉइंट्स। अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों को रीडिंग लेनी है। कैसे रीडिंग लेनी है, एक रोड के ऊपर, ये मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद वो मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लेना है, जो भी एलिवेशन आएगा उसे हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहां करेंगे, लेवल शीट पर, लेवल शीट पर आप लोग रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद आप लोगों को कैलकुलेट करना है लेवल डिफरेंस। कैसे लेवल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एचआई मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग राइज एंड फॉल मेथड से। उसके बाद लेवल द रोड। अब जो हम लोगों के पास अलग अलग एलिवेशन आए हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि कटिंग आई है या फिलिंग आई है। तो हम लोग मटेरियल डाल के बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ द डिफरेंस एलिवेशन द रोड लेवल बाय एडिंग और रिमूविंग द मटेरियल एज नेसेसरी। मतलब अगर कटिंग आएगी तो कटिंग करेंगे, और अगर फीलिंग आएंगी तो फीलिंग करेंगे। तो हमें टेक रीडिंग्स, तो रीडिंग लेना क्या। आज इस कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, क्यूएस एंड आरए निकालना, बीबीएस निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स, आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। ऐसा है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले प्रोफाइल लेवलिंग में इसी तरीके का आप लोगों का रोड होगा, इस तरीके के बीच में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, और यहाँ पर आप लोगों को एक बेंचमार्क मिलेगा, ठीक है। अब ये बेंचमार्क आप लोग खुद ले सकते हो, अगर यहाँ पे कोई पुराना रोड हो तो, या तो अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हो तो आप लोगों को बताया जाएगा कि ये पर्टिकुलर जगह पर बेंचमार्क है। अभी सभी ध्यान देंगे यहां पर, और भाई शेयर जरूर करें। यहां पर मैं इसी पार्ट में पीपीटी में पूरा प्रोसेस बता दूंगा, और आप लोग डायरेक्टली रिलेट कर लोगे कि हाईवे में किस तरीके से किया जाता है प्रोफाइल लेवलिंग और कैसे पॉइंट्स लिए जाते हैं। चलिए अब पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बेंचमार्क दिया गया जाएगा, बेंचमार्क दे दिए आप लोगों को। अब पहली रीडिंग लोगे आप बेंचमार्क के ऊपर, यहां पर ऑटो लेवल सेट करोगे आप अपना। अब यहां पर ऑटो लेवल सेट करने के बाद आप लोग लोगे पहली रीडिंग, जो आप लोगों की बीएस कहलाएगी। उसके बाद अब समझ लो ये रोड की विड्थ है। अब एक बात क्लियर कर दूं आप लोगों को कि अगर आप लोग हाईवे कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हो तो ये रोड की विड्थ ज्यादा होगी। अब ये रोड की विड्थ मेरे हिसाब से 3.5-4 मीटर है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सिर्फ एक बार आईएस, दो बार आईएस और तीन बार आईएस लूंगा। लेकिन अगर आप लोगों की रोड की विड्थ ज्यादा है, आप लोग हाईवे कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हो, तो आप लोग कितनी रीडिंग लेते हो, 9 रीडिंग्स ली जाती है हाईवे कंस्ट्रक्शन में। यहां पर मैंने 3 रीडिंग बनाई है, है ना। ये 3 रीडिंग क्यों बनाई है, ताकि मैं इसका आगे चल के एवरेज ले पाऊं, ठीक है। तो 3 रीडिंग लोगे, कैसे लोगे देखो, सबसे पहले बेंचमार्क, फिर यहां पर लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे एक रीडिंग, फिर उसके बाद सेंटर पे एक रीडिंग। ये रोड है,
रोड के सेंटर पे एक रीडिंग, फिर कॉर्नर में एक रीडिंग, और यहां से फिर इस तरीके से सर्वे आप कंडक्ट करोगे। और ये सब की आप लोग रीडिंग कहां लिखोगे, ये सब की रीडिंग लिखोगे आप लोग अपनी लेवल शीट पर। लेवल शीट के ऊपर ये रीडिंग लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी के बेस के ऊपर आप लोग निकाल पाओगे आरएल। ठीक है, आरएल निकालना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारी चीज पूरी की पूरी रीडिंग लोगे आप लोग इसी ऑटो लेवल को यहां सेट करने के बाद। अब ये ऑटो लेवल को हो सकता है यहां सेट करना पड़े, तो यहां से ये ऑटो लेवल को आप लोग उठा के यहां रख दोगे और यहां पर रीडिंग ले लोगे। सबसे पहले तो आप इसे एफएस बना दोगे, फिर यहां ऑटो लेवल रख दोगे, ये एफएस आपका। इसी पॉइंट के ऊपर आप लोग दूसरा पॉइंट लोगे। अब मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि अगर ये पॉइंट एफएस यहां हो गया, अब ये ऑटो लेवल यहां पहुंच गया है, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, मतलब अब ये एफएस मेरा क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा मेरा BS2, मतलब BS बन जाएगा। अब मैं ये सर्वे वापस से शुरू कर दूंगा यहां से, ये जो सर्वे मेरा यहां चल रहा था, अब ये वापस से मेरा यहां से शुरू हो जाएगा, ये बन जाएगा IS, फिर IS, और यहां से फिर मेरा सर्वे शुरू कर दिया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा इसी तरीके से। और इसी तरीके से मैं ये रोड के पूरे लेवल्स निकाल लूंगा, पूरे लेवल्स निकाल लूंगा। अब मैंने सारे के सारे स्टाफ रीडिंग ले ली है, मेरे पास BS है, ये मेरे IS है सारे। अब मैं इसे क्या करूंगा, अब ये समझना जरूरी है कि सर ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस होना चाहिए सेम, अगर ये 3 मीटर का रोड है तो भाई 1.5 मीटर की डिफरेंस पे ले लोगे। ठीक है, यहां से ये 1.5 मीटर पे और यहां से ये 1.5 मीटर पे आ गया। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम होना चाहिए आप लोगों का। ये अगर आप लोग 10 मीटर ले रहे हो तो ये सारे 10 मीटर पे ही रहने चाहिए, ये सारे 10 मीटर पे ही फिर रहने चाहिए आप लोगों के। ये जो 10 मीटर मैं ले रहा हूं, इसे कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है चेनेज। अब ये जो चेनेज है ये सेम होना चाहिए ताकि हम लोग जो है वो लेवल शीट बना सके। अब इसकी लेवल शीट बनती कैसी है वो भी बना के दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर सीरियल नंबर लिख दोगे ताकि आप लोगों को पता रहे, है ना, SN लिख दोगे। फिर इसके बाद आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे जो कि रहेगा आपका BS। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, ऊपर में लिख रहा हूं ना IS, तो ये बनेगा सबसे पहले। ये क्या लिखा था मैंने, इसे आप लोग समझ लो कि ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो RHS लिख लो, इसे सेंटर लाइन लिख लो और इसे LHS लिख लो। ठीक है, तो ये मेरा यहां पर मैं RHS लिख रहा हूं, उसके बाद ये सेंटर लाइन की रीडिंग लिख रहा हूं, उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पर LHS। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या आ गया अभी तक, BS आ गया है, RHS आ गया, सेंटर लाइन आ गया, LHS आ गया। अब यहां पर आएगा एवरेज IS। एवरेज IS मतलब क्या होता है, ये जो तीन रीडिंग आई है ना, यहाँ पे आइए समझ लो 1.2, यहाँ पे आइए समझ लो 1.3, यहाँ पे आइए समझ लो 1.22। ठीक है, इन सभी का एवरेज किया जाएगा। एवरेज कैसे होगा वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। एवरेज कुछ इस तरीके से होगा, 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.22 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आंसर। अब ये जो भी आंसर आएगा वो बन जाएगा मेरा IS, वो बन जाएगा मेरा इंटरमीडिएट साइड, और फिर उसके बाद यहां पर लिखा जाएगा FS, और फिर उसके बाद आगे आप लोग फाइंड आउट करोगे राइज एंड फॉल मेथड से या HI मेथड से आप लोग RL फाइंड करोगे। तो इस तरीके से आप लोगों का टेबल बनेगा। तो जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूंगा, करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ।